गुस्से में हैं, खासतौर से छात्रों में गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर ओल्ड राजेंद्र नगर से, वहां हादसे वाली जगह पर एलजी वीके सक्सेना कुछ देर पहले पहुंचे। उन्होंने वहां धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की, मुलाकात की। लेकिन खबर इस बीच ये भी है कि छात्रों ने एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ भी नारेबाजी की है। दरअसल छात्रों में देखिए गुस्सा है, नाराजगी है, वो जान गंवाने वाले छात्रों के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि भविष्य में दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि छात्र ये भी कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। नियमों की जो अनदेखी हो रही है, धड़ल्ले से चल रही है, उसके चलते तीन छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन यहां पर सामने आ रहा है और कुछ देर पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत भी की, उन्हें सुना भी, उनसे जानने की भी कोशिश की कि आखिर किस तरह से छात्रों का ये गुस्सा यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन छात्रों ने उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि नारेबाजी की। और हमारे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, क्या कुछ मौके पर हुआ? देखिए, अभी भी उपराज्यपाल मौके पर मौजूद हैं, आपको तस्वीर सीधे दिखाते हैं। उपराज्यपाल अभी छात्रों के एक डेलीगेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का एक दूसरा समूह बैरिकेड के इस तरफ जो है वो इस बात को लेकर ये मांग कर रहा है कि उपराज्यपाल धरना स्थल पर आएं। दरअसल जिस जगह उपराज्यपाल है वहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही छात्रों का धरना चल रहा है। पुलिस ने ये व्यवस्था की कि कुछ छात्र जो हैं उनका एक डेलीगेशन उपराज्यपाल से बात करें और वो अपनी समस्याएं बताएं, अपने डिमांड्स बताएं, लेकिन छात्रों का एक डेलीगेशन लौटेंगे आपके पास जावेद पूरी खबर के लिए। लेकिन जिस तरह से नारेबाजी छात्रों के जरिए हुई है वो तस्वीरें दिया जा सकता है। नहीं, ये बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। सर, से मेरी रिक्वेस्ट है, सर ने बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज के बारे में बताया है, पर आप थोड़ी शांति रखें, और हर चीज के इंक्वायरी का टाइम लगता है और एक्शन जस्टिफाई होना चाहिए। तो और सर ने जैसा बताया, कोचिंग वाले को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। तो छात्रों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे और वी वांट जस्टिस, देखिए छात्रों के जरिए यहां पर नारेबाजी भी की गई। जावेद, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी। बेटी नेता लग रही है। जावेद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो इस वक्त मौके पर क्या कुछ हो रहा है जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, अभी उपराज्यपाल मौके पर मौजूद हैं, वो छात्रों के एक डेलीगेशन से बात कर रहे हैं, पुलिस अमले के साथ वो हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल राव कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में भी गए, उन्होंने वहाँ बातचीत की, समझा कि किस तरह से हादसा हुआ। अभी आश्वासन भी दिया है उपराज्यपाल ने कि उनकी जो तमाम डिमांड्स है उन पर काम किया जाएगा। मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन पर वो वर्कआउट कर रहे हैं और जो भी छात्र हैं, जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले के, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये आश्वासन उपराज्यपाल ने यहाँ से माइक पर संबोधन करते हुए दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी एक छात्रों का समूह इकट्ठा है और वो मांग कर रहा है कि उपराज्यपाल धरना स्थल पर आए। धरना स्थल इस तरफ है, आपको तस्वीरों में दिखाएं, यहाँ बाई तरफ धरना स्थल है, दाएं तरफ उपराज्यपाल है। यहाँ क्या कह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं उपराज्यपाल से? उपराज्यपाल, वी डोंट ट्रस्ट वर्ड्स अनलेस एक्शंस आर बीइंग टेकन डायरेक्टली। स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज डेलीगेशन अंदर गया। लिसन, देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑन 24th। इफ दे हैव टेकन एक्शन देन दिस इंसिडेंट वुड हैव नॉट हैपेंड। आक्रोशित हो रहे हैं जो छात्र हैं यहाँ पर, लगातार वो बैरिकेड्स पर पहुंचकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उपराज्यपाल अंदर की तरफ आए, लेकिन उपराज्यपाल अभी छात्रों के एक डेलीगेशन से बात कर रहे हैं। पुलिस छात्रों का एक डेलीगेशन धरना स्थल से लेकर अंदर की तरफ आई थी जहाँ पर उपराज्यपाल है। क्या चाह रहे हैं आप?
सर हम चाह रहे हैं कि एलजी साहब हमारे स्टूडेंट के पास आके बात करें, वहाँ पे किसी डेलीगेशन कोई वो स्टूडेंट वाले नहीं है। डेलीगेशन आप ही के यहाँ से? नहीं, कोई नहीं है सर, हमारे सब स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। पहचान होगी कौन डेलीगेशन का कौन आउटसाइडर है? जब आएंगे यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट के पास आएंगे तभी तो पता चलेगा कौन स्टूडेंट है कौन ये है। अब वो बाहर से बातें कर रहे हैं, जब स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अंदर आके हमारे बीच में बात करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। बाहर से पॉलिटिक्स हो रही, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उधर। एलजी साहब को बात करनी, स्टूडेंट में आके बात करें, वहाँ मत करें। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं ये अन्य यूपीएससी एस्पिरेंट हैं कि कह रहे हैं कि उपराज्यपाल यहाँ पर आए, धरना स्थल पर आए, जो वहाँ बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है। लगातार यहाँ पर छात्रों का एक समूह बैरिकेड पर इकट्ठा है, लेकिन एक दूसरा समूह जो है वो वहाँ छात्रों से बात कर रहा है। तो ये वो कह रहे हैं कि वो छात्र नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि उपराज्यपाल क्या आश्वासन दे रहे हैं और क्या एक्शन उनकी तरफ से लिया जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि उपराज्यपाल बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं दिल्ली की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अधीन आती है, ख़ास तौर से जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार है वो उपराज्यपाल के पास ही है। क्या इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई होंगी, क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन भी होगा, ये देखना होगा क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो छात्र हैं, देखिए एक यहाँ पर एक पैसेज बनाया गया है ताकि उपराज्यपाल आ सकें। ये देखिए उपराज्यपाल के लिए एक पैसेज यहाँ पर छात्र जो है वो बना रहे, एक बार इसे यहाँ पर दिखाइए। देखिए प्ले कार्ड यहाँ पर ले रखा है, जो छात्र यहाँ पर मौजूद है वो इंतजार कर रहे हैं, छात्र इंतजार कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि उपराज्यपाल यहाँ पर आएंगे। क्या चाह रहे हैं? अरे दो मिनट बाद यहाँ पर एक पैसेज बनाया गया है और ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल यहाँ पर आए। देखिए क्या यहाँ पर उपराज्यपाल आएंगे, धरना स्थल पर आएंगे, इस बात का भी इंतजार हो रहा है। देखिए ये देखिए फिर से छात्र उठ गए हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उपराज्यपाल धरना स्थल पर पहुंचेंगे और उनसे बात करेंगे। ये देखिए उपराज्यपाल पहुंच रहे हैं। ये देखिए अभी हलचल बढ़ रही है, शायद उपराज्यपाल आ जाएं छात्रों की धरना स्थल पर, क्योंकि छात्र जब से उपराज्यपाल पहुंचे यही मांग कर रहे हैं कि उपराज्यपाल अंदर की तरफ आए। पुलिस के साथ अभी हैं, पुलिस के अमले के साथ मौजूद हैं, तो यहीं पर उपराज्यपाल अभी मौजूद हैं। देखिए बैरिकेड्स पर आ चुके हैं उपराज्यपाल, बिल्कुल क्या वो अंदर की तरफ आएंगे? ये देखिए उपराज्यपाल संभवतः अंदर की तरफ आ रहे हैं और छात्रों के जो धरना चल रहा है उससे क्या वो बात करेंगे? ये देखिए बिल्कुल बैरिकेड्स पर उपराज्यपाल आ गए और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि वो अंदर की तरफ आए। ये तस्वीर देखिए छात्रों ने बाकायदा इसके लिए एक रास्ता बना दिया है कि उपराज्यपाल उनकी तरफ आ जाए। ये विजुअल बहुत महत्वपूर्ण, ये देखिए उपराज्यपाल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उपराज्यपाल यहीं से आ रहे हैं। देखिए उपराज्यपाल, ऐसा लग रहा है कि उपराज्यपाल धरना स्थल पर आ रहे हैं और छात्रों से बात करेंगे। ये तस्वीर देखिए जय किशन, जो कि न्यूज 18 इंडिया को सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए अंदर की तरफ आ गए उपराज्यपाल, क्या बात करेंगे, क्या आश्वासन देंगे, ये देखना होगा। छात्रों की 5 मांग है, जिसमें मुआवजे की मांग सबसे बड़ी है, इसके अलावा एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये देखिए उपराज्यपाल क्या वो कहते हैं, ये देखना होगा। ये देखिए यही बैठने की अपील की जा रही है पुलिस की तरफ से, एक बार देखते हैं कि क्या उपराज्यपाल कहते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट की, जो उपराज्यपाल से मिलना चाहती है। एक अलग स्थिति यहाँ पर हो गई है, भीड़ भाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा है। उपराज्यपाल छात्रों के बीच में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों से बात कर सके। ये देखिए पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। सर उधर से हटाइए, पीछे खड़े तो हमारे सहयोगी जावेद और जय किशन लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से धरने पर मौजूद छात्रों से मिलने के लिए
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना उन्हीं के बीच में मौजूद हैं, क्योंकि छात्र कह रहे थे कि बाहरी तौर पर नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि उपराज्यपाल उनके बीच में धरने में, जहां पूरी तरह से धरना दिया जा रहा है, वहां पर आकर उनसे बातचीत करें। और आखिरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हालांकि बातचीत देखे किस तरह से छात्रों के साथ इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कर रहे हैं, इससे पहले जब उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मांग जो की जा रही है उस पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन छात्रों का यह कहना था कि जहां धरना हो रहा है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर हमारे सहयोगी जावेद और जयकिशन के जरिए आप तक पहुंच रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर छात्रों के साथ इस वक्त बेहद खास बातचीत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के जरिए की जा रही है, जो कुछ देर पहले मौके पर पहुंचे। मकसद यही था कि जिस तरह से देश भर में इस वक्त गुस्सा है, जिन तीन छात्रों को खोया गया है और जिनके लिए इंसाफ की लड़ाई इस वक्त छात्र लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत